हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं रियलिस्टिक हेयर, जिसमें मैं यूज़ करूँगा 2B पेंसिल और 6B पेंसिल। तो पहला स्टेप हम कंप्लीट करेंगे 2B पेंसिल्स के साथ, जो बिल्कुल लाइट होगा और शेडिंग होगी उसमें। तो सेकंड स्टेप आएगा हमारा 2B पेंसिल से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डाल के हम शेडिंग करेंगे। तो उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप, जिसमें मैं 6B पेंसिल्स का यूज़ करने वाला हूँ, जो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा शेडिंग और स्ट्रोक आएंगे। तो पहले क्या करना है, हमने शेडिंग करनी है लाइट, और उसके बाद हम ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करना है, तब हमारा बेस बन जाएगा, तब हमने हेयर बनाना स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप ध्यान से देखोगे कैसे मैं शेडिंग करूँगा और जिसकी जैसे मैंने इसकी शेप बना रखी है वैसे मैं शेड करूँगा, तो वो आपने ध्यान से देखना है। तो चलते हैं और इसे कम्प्लीट करते हैं। पहला मैं स्टेप कम्प्लीट कर रहा हूँ 2B पेंसिल से, तो ये ध्यान से देखना, और इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे, फाइनल बनाएंगे इसे। ओके, चलिए हम सीखते हैं। आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल तीखी होनी चाहिए, तभी आपकी शेडिंग अच्छी होगी। जो पहला स्टेप है बिल्कुल आपका अच्छा होना चाहिए, जो हमारा बेस बनेगा, जो हम हेयर बनाने वाले हैं उसको ध्यान से आपने करना है। पहली शेडिंग के बाद हम थोड़ा सा ऊपर से शेड करेंगे, जितने जितने शेड ऊपर ऊपर आते जाएंगे थोड़ा सा डार्क होते जाएंगे, ये आपने खास ध्यान रखना है। जो कर्व वाला एरिया है वो हाईलाइट वाला है, जहाँ पे हम थोड़ा सा कम प्रेशर का अप्लाई करके शेड करेंगे। जो बिल्कुल ऊपर और नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे, क्योंकि वो शेडो वाला पार्ट है, थोड़ा सा नीचे वाला, और जो कर्व वाला है ऊपर वाला तो वो थोड़ा बस हाईलाइट है, तो उसको हम थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ हम शेड करेंगे। जब भी हम कोई हेयर बनाते हैं तो उसमें यही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा हमें हाईलाइट करना है और कहाँ पे हमने ज़्यादा शेड करना है। तो इसमें भी यही है, जो मैंने शेप बना रखी है उसमें थोड़ा सा कर्व है, तो ऊपर वाला हिस्सा है जो वो बिल्कुल लाइट रखना है, हाईलाइट करना है, जहाँ पे हम बिल्कुल लाइट शेडिंग करेंगे, और नीचे वाले बिल्कुल डार्क करेंगे। मगर हमारा जो पेंसिल है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और शेडिंग पता लगनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी पेंसिल शार्प होगी, जितनी आपका शेडिंग दिखाई देगी, उतनी ज़्यादा आपके जो हेयर बने हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे। तो ये आपने खास ध्यान रखना है। तो इसके बाद मैं 6B पेंसिल्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी मेरा डार्क शेड आने वाला है। नीचे मेरे सारे जो शेड मैंने किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं डार्क शेड करूँगा, तो मैं 6B पेंसिल्स का यूज़ करूँगा। हाईलाइट वाला एरिया मैं छोड़ दूँगा, वहाँ पे थोड़े थोड़े डार्क वाले स्ट्रोक आ जाएंगे, मगर जो ऊपर और नीचे वाला एरिया वहाँ पे मैं शेड करूँगा डार्क वाले। मगर आपने कोशिश करनी है जो 6B पेंसिल है उससे भी बिल्कुल शार्प रखें, और जिसके साथ आपके हेयर हैं वो बिल्कुल शेडिंग के मुताबिक अच्छे लगें। बीच बीच में मैं 2B पेंसिल्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि जो साइड वाले हेयर बनाने हैं वो बिल्कुल लाइट बनाने हैं, जो बाहर की ओर हो जाते हैं लाइट शेडिंग के साथ। और बीच बीच में मैं करूँगा 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो लास्ट टच है मेरा, वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो हाईलाइट के लिए मैं रेज़र का यूज़ करूँगा, मेरे पास दूसरी रेज़र नहीं है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट ज़रूर करना और बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।